अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू वाई जेड, फाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है ए क्रॉस बी। क्रॉस मीन कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्रॉस का मतलब होता है ये जो क्रॉस का निशान है, ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी। इसको फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है। इफ़ ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज़ इक्वल टू वाई जेड, तो इसका पार्ट 1 है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए पहले हम ए के एलिमेंट लिखेंगे, फिर क्रॉस का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद बी के एलिमेंट यहाँ पर लिखेंगे। ए क्रॉस बी का तरीका ये है, इसमें हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं दो दो एलिमेंट का। ए वाई, ये आपका एक पेयर बन गया ए कॉमा वाई, फिर हम बार कॉमा लगाएंगे, इसको स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, फिर ए को मिलाएंगे जेड से, ए जेड। नाउ बी वाई बी जेड, सी वाई सी जेड, डी वाई डी जेड। टोटल यहाँ पर हमारे 4 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 8। अब हम अपना आंसर जो है वो वेरीफाई करेंगे। टोटल हमारे आउटर पेयर बनने चाहिए 8, 4 to the 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारा ए क्रॉस बी का आंसर आ गया। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड, सी वाई सी जेड, डी वाई डी जेड। ये इसको फिर हम इसको कर्ली ब्रैकेट लगा के इस पूरे को क्लोज कर देंगे। ये हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, यही हमारा आंसर है। अब इसका बी क्रॉस ए, ये बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, ये आप करेंगे होमवर्क में। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर ए क्रॉस ए का मतलब है ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी ए का ए के साथ जो है वो कार्टेशियन।